सेवेंथ क्लास यस स्टूडेंट्स चैप्टर थर्ड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध की पराजय के बाद पृथ्वीराज सक्सेसर गोविंद वाज अलाउड टू रूल इन दिल्ली एंड अजमेर फॉर सम टाइम बाय मोहम्मद ऑफ गौर। पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी गोविंद ने दिल्ली और अजमेर पर कुछ समय शासन करने के बाद मोहम्मद गौर ने शासन किया। हाउएवर देयर वर रिवीलियंस अगेंस्ट गोविंद फॉर एक्सेप्टिंग तुर्किस अथॉरिटी। यद्यपि वहाँ रिविलियन अगेंस्ट गोविंद, गोविंद के खिलाफ जो विद्रोह हुआ और फॉर एक्सेप्टिंग और उन्होंने तुर्किस अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। मोहम्मद ऑफ गौर्स ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन और मोहम्मद गौर का जो ट्रस्ट था, विश्वास था, उदास कुतुबुद्दीन ऐबक वाज देन सेंट टू ऑक्यूपाई दिल्ली इन 1112। और 1192 में मोहम्मद गौर ने अपने दास पर विश्वास किया, उसको शासन दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज दिया। ऐबक कंसोलिडेट देयर पोजिशन इन दिल्ली वैन नाउ बिकम द बेस ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। ऐबक ने अब दिल्ली में अपनी स्थिति को संभाला और वह तुर्क भारत में उसने तुर्किश शासन को आधार दिया। द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526 इज रेफर्ड टू एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड एज दीज रूलर्स गवर्न्ड फ्रॉम दिल्ली। द पीरियड ऑफ 1206 से 1526 का उल्लेख है कि दिल्ली सल्तनत काल का, जिसमें रूलर्स गवर्न फ्रॉम दिल्ली, जिन्होंने शासकों ने दिल्ली पर शासन किया दिल्ली सल्तनत के तहत 1206 से 1526 तक इन लोगों ने शासन किया। मैनी ऑफ द सल्तनत वेल्ट देयर ऑन कैपिटल सिटीज और इन सुल्तानों ने अपनी राजधानियां बनाई, सच एज सीरी एंड तुगलकाबाद, बट द सेंटर वाज ऑलवेज इन और अराउंड दिल्ली। इस प्रकार उन्होंने जो राजधानियाँ बनाई वो सीरी और तुगलकाबाद, लेकिन अपना केंद्र दिल्ली को रखा हमेशा। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिगेन एक्सिबिटिंग बिहाइंड द सीरी फोर्ट एडिटोरियम टू डिग आउट रिमेन ऑफ द सीरी पीरियड इन जनवरी 2003। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई का काम प्रारंभ किया और खुदाई में जनवरी 2003 में उस काल के सीरी के किले में श्रोतागणों के कक्ष के अवशेष मिले। सीरी फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1306 इज सेड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एट द टाइम। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के बारे में कहा कि यह एक विश्व की उस समय की सबसे सुंदर सिटी थी। अकॉर्डिंग टू लिंटेक सीरी वाज डिस्ट्रॉयड बाय शेरशाह सूरी इन द 16th सेंचुरी। इंटेक के अनुसार सीरी को डिस्ट्रॉय किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं शताब्दी में। हु यूज इट्स मटेरियल
टू बिल्ड हिज ऑन सिटी, और उसने इसके मटेरियल से अपना शहर बनाया, बनाने के लिए यूज़ किया। द ASI ऑफिशियल्स आर होपफुल ऑफ फाइंडिंग रिमेन्स ऑफ द सिरी बेल। पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो अधिकारी हैं उन्होंने होपफुल, उनको आशापूर्ण पता चला इस सिरी के अवशेषों के बारे में। द ASI एक्सपर्ट टू अनअर्थ समथिंग कॉन्क्रीट सून, वॉल एंड दीवारों से, यानी उस पुरातत्व विभाग भारत को आशा थी कि पृथ्वी पर इस प्रकार के जो कंक्रीट वगैरह उन्होंने देखे, कुछ कंक्रीट जैसे सामान मिले। द लोअर पोर्शन ऑफ द सिरी वेल वॉल स्टिल एक्सिस्ट सेड सिन्हा सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ASI दिल्ली। और उस वाल का, दीवार का जो लोअर पोर्शन था वो अभी भी मौजूद था। जो सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल, जो भारत के पुरातत्व विभाग ने उसे खोजा। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत पर ये रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो तमाम रूलर्स हुए थे उनकी टाइमिंग और उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, शेष इधर है। अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में जो पता चला उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना के स्रोत हैं। टू नाउ अबाउट द सल्तनत पीरियड आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक कॉइन्स इंस्क्रिप्शन एंड मोन्यूमेंट्स एंड लिटरेरी मटेरियल्स लाइक राइटिंग ऑफ फॉरगन ट्रेवलर्स एंड कोर्ट हिस्टोरियंस आर अवेलेबल। दिल्ली सल्तनत के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई है उसके स्रोत हैं उस समय के, उनसे पता चला है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे कॉइन सिक्के इंस्क्रिप्शन यानी उत्कीर्ण दीवारों पर या शिलालेखों पर लिखा हुआ, मॉन्यूमेंट्स स्मारक, लिटरेरी मटेरियल साहित्यिक सामग्री जैसे राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स विदेशी यात्रियों के लेख एंड हिस्ट्रियंस और कोर्ट हिस्ट्रियंस दरबारी ऐतिहासिक दरबारियों के द्वारा, ये सब स्रोत अवेलेबल हैं। द कोर्ट हिस्ट्रियंस रोट इन पर्सियन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सल्तनत पीरियड, जो कोर्ट हिस्ट्रियन जो दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने पर्शियन अरबी भाषा में लिखा, और उस समय सल्तनत पीरियड में वह एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राजभाषा थी। द हिस्ट्रीज दे वोट वर कॉल्ड तारीख, और इतिहास में जो लिखा गया है उसे तारीख कहा जाता है। दे रोट दीज अकाउंट्स They wrote these accounts in a manner which portrayed their patrons in a fleeting light. They wrote, उन्होंने लिखे अपने लेख अनेकों तरीके से जिनमें चित्रित किया गया है पैट्रॉन संरक्षक के रूप में, फ्लीटिंग लाइट और सुंदर चित्रों को, चमकते हुए चित्रों को चित्रित किया है। दस द हिस्ट्रियंस दे रोट एनी द हिस्ट्रियंस दे रोट मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट, और इतिहासकारों ने जो लिखा है वो सब एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्ट्रीज रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर तवाकुत ए नसीरी बाई मिनाज ए सिराज के द्वारा, और जो लिखा गया, और तुर्किस ए फिराज साई बाई जियाउद्दीन वर्नी,
एंड इसामीज होते हैं एज स्टालिन इवन बतूता। और जो उस समय जो लिखा गया तवाकुत ए नसीरी बाई मिनाज इस राज के द्वारा तारिक ए फिराज शाही लिखी गई जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा एंड आसामी सामी फतेह उस स्टालिन ये स्टालिन के द्वारा लिखी गई। इवन बतूताज रिहला गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द तुगलक पीरियड। इवन बतूता ने तुगलक पीरियड की सूचना दी। द स्लेव ऑफ मामलुक डायनेस्टी यानी दास डायनेस्टीज दिल्ली में 1206 to 1290 तक। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज कॉल्ड द स्लेव और द मुमालिक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी था पहला वंश था उसे दास या मुमालिक कहा जाता है। द वर्ल्ड मुमालिक मीन्स वेरियर स्लेव्स। मुमालिक शब्द का अर्थ होता है योद्धा दास। द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड बीन स्लेव बिफोर दे बिकम सुल्तान। इम्पोर्टेंट रूलर्स इस राजवंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे वो दास वो सुल्तान बनने से पहले दास थे। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक हु हैड बीन मोहम्मद गौर स्लेव। इस वंश का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौर का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक उसने शासन किया। मोहम्मद ऑफ गौर डेड इन 1206 विदाउट स्पेसिफाइंग हु वुड सक्सीड हिम। मोहम्मद गौर का मृत्यु 1206 में हो गई वो उसने निर्दिष्ट किया अपने उत्तराधिकारी को। दिस लेड टू क्लैश बिटवीन हिज थ्री लीडिंग स्लेव्स। और इसके लिए इसके नेतृत्व के लिए तीन दासों के मध्य क्लैश हुआ विवाद झगड़ा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक हु गेन कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ घुरिद टेरिटरीज बिगेन हिज रूल इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हु गेन कंट्रोल उसने अधिकार प्राप्त कर लिया मोस्ट ऑफ द घुरिद टेरिटरीज घुरिद के भू क्षेत्रों पर। बिगेन हिज रूल और स्वतंत्रता पूर्वक दिल्ली पर अपना शासन प्रारंभ कर दिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार एंड द कुवात उल इस्लाम मॉस्क स्टार्टेड ड्यूरिंग ऐबक्स रीजन। कुतुबुद्दीन ने जो कंस्ट्रक्शन काम कराया था वो कुतुब मीनार का कराया। कुतावत उल इस्लाम मस्जिद का काम भी ऐबक ने अपने शासन के दौरान प्रारंभ किया। ही डेड एक्सीडेंटली इन 1210 विद इन जस्ट 4 years ऑफ गेटिंग पावर। शासन प्राप्त करने के 4 वर्ष बाद 1210 में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश 1211 to 1236 ऐबक वाज सक्सीडेड बाई आराम शाह हु वाज डिपोज्ड बाई इल्तुतमिश इन 1211 सी। ऐबक ने ऐबक के द्वारा अपना उत्तराधिकारी आराम शाह को बनाया हु वाज अब डिपोज्ड बाई इल्तुतमिश इन 1211 सी। 1211 में इल्तुतमिश ने उसे अपदस्थ कर दिया उसे पद से हटा दिया। इल्तुतमिश मे बी कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ही वाज ऐबक ऐबक्स स्लेव एंड सन इन लॉ। वह ऐबक का दास और सन इन लॉ था। ही वाज एबल टू डिफाइन हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक। और वह मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सक्षम था। ही ऑल्सो सेट अप
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कंडक्ट वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज़। उसने प्रशासनिक व्यवस्था में को सुव्यवस्थित किया और वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज और अनेकों कल्याणकारी कार्यों का संचालन किया। ही रूल्ड फॉर अराउंड 25 ईयर्स और उसने 25 साल शासन किया। रजिया 1236 टू 1240 एंड माइनर नॉवेल्स। रजिया ने 1236 से 1240 में शासन किया और वो एक माइनर कुलीन थी। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रजियाज शॉर्ट लिव्ड रीजन इज मिनाज ए सिराज वर्क। प्राइमरी सोर्स जो प्राथमिक स्रोत हैं सूचना के रजिया के, वो शॉर्ट लिव्ड रीजन यानी थोड़े समय के शासन के मिनाज ए सिराज से प्राप्त हुए, ये वर्क से प्राप्त हुए। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अबाउट हर रीजन इज एज ब्रीफ एज हर रीजन इट्सेल्फ। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन और जो सूचना प्राप्त की है उसके शासन के बारे में संक्षेप में वो स्वयं की है। शी वाज़ दी फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। वह एक पहली महिला मुस्लिम शासक थी दिल्ली की। शी वाज़ नॉमिनेटेड टू द थ्रोन बाई हर फादर इल्तुतमिस हु हैड 4 सन। उसे नॉमिनेट किया था, मनोनीत किया था उसके पिता। शी वाज नॉमिनेटेड टू द थ्रोन सिंहासन के लिए मनोनीत किया था उसके पिता इल्तुतमिस ने। हु हैड 4 सन उसके 4 पुत्र थे। वैन इल्तुतमिस डेड द नॉवेल्स इग्नोर्ड हिज विजल विश एंड प्लेस्ड हिज सन रुकुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन। वैन जब इल्तुतमिस डेड उसकी मृत्यु हो गई, द नॉवेल्स इग्नोर्ड हिज विश, तो कुलीनों ने उसकी इच्छा को इग्नोर किया, उसकी इच्छा का विरोध किया एंड प्लेस हिज सन उसके स्थान पर उसके पुत्र रुकुद्दीन फिरोज को थ्रोन पर बैठाना चाहा, थ्रोन पर बैठा। ही वाज सून डिपोज्ड फॉर बीइंग इनकंपिटेंट एंड रजिया कम टू पावर। और शीघ्र ही रजिया ने उसे पद से हटा दिया और स्वयं सत्ता में आ गई। हाउ रजिया ट्राई टू गिव इम्पोर्टेंट पोस्ट टू नॉन तुर्किस। यद्यपि रजिया ने महत्वपूर्ण पदों पर नॉन तुर्क लोगों को बिठाया, विच मेड द तुर्किस नॉवेल्स एंग्री, जिससे तुर्की जो कुलीन लोग थे, सामंत लोग थे, वो नाराज हो गए। द रिवॉल्ट एंड सी वाज आउटसेट, और उन्होंने रिवॉल्ट किया उसको आउटसेट करने के लिए, हटाने के लिए। सी वाज किल्ड ट्राइंग टू रिक्लेम द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और उसे मार दिया गया शासन पर। एंड सी वाज किल्ड, उसे मार दिया गया ट्राइंग टू रिक्लेम द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के शासन को प्राप्त करने के लिए। फिनिश नेक्स्ट कल।